हाय फ्रेंड्स, इस टाइम आप गुड़हल की कटिंग आसानी से लगा सकते हो। ये है फरवरी और लास्ट फरवरी का एंड हो चुका है और मार्च स्टार्टिंग है। तो मैंने अभी कुछ कटिंग की है। लास्ट वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो कुछ लंबा हो गया तो मैं उस पर शेयर नहीं कर पाई। मैं अलग से शेयर कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पर जो है मैंने कटिंग की है कुछ। ये ऑरेंज वाले हिबिस्कस की कटिंग है और अब हम कटिंग करके तो फेंक ही देते हैं ना फ्रेंड्स। तो एक बार आप जो है कटिंग लगा कर देखिएगा, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और ये जो है ये गुच्छे वाले गुड़हल का है कटिंग, छोटी छोटी कटिंग। एक चीज़ मैंने देखा है फ्रेंड्स, छोटी छोटी कटिंग आसानी से लग जाती है और मोटी वाली कटिंग में थोड़ा ट्राई देरी होता है। ये देखिए, मैं अपडेट भी दिखाती हूँ। ये मैंने कटिंग बहुत दिन पहले ही लगाया था, लगभग एक महीना हो गया है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। असल में उस टाइम कटिंग लगाने का समय नहीं था, लेकिन जो है जब भी मैं प्रूनिंग करती हूँ तो उसको फेंकती नहीं हूँ, लगा देती हूँ। अगर लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो बेकार हो जाए, फेंक देंगे फ्रेंड्स। लेकिन जो है ऐसे ही डायरेक्ट फेंक देने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जब भी आप अपने हिबिस्कस वगैरह की कटिंग करें, तरह से प्रूनिंग करें, तो उसको लगाइए, लगा कर ट्राई करते रहिए, तो फिर आपका हाथ साफ़ होगा। जैसे कोई भी पेंटिंग वगैरह भी करते हैं तो बार बार करने से हाथ साफ़ होता है कि आप कितने आसानी से, उसके बाद देखिएगा ना कि आप कोई भी कटिंग आसानी से लगा सकोगे। तो वीडियो को लेट ना करते हुए दिखाते हैं कि इसको कैसे मैं लगाऊँगी। इस तरह से इसके नीचे वाले पोर्शन को क्लियर कर लूँगी। इस तरह से आप इसके नीचे का जो भी है ये स्टेम, इन सब को आप हटा लीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप कट कर लीजिए सारे को, ठीक है, जैसे मैंने कट किया है। मैं दो को लगाकर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। और ये है सबसे अच्छा, अगर आपके पास कोई भी रूटिंग हार्मोन वगैरह ना हो तो सबसे अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा हो प्लांट, तो उस एलोवेरा से आप इस तरह से तोड़ लीजिए और उसमें ना इस तरह से आप इसको डिप कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से डिप कर लीजिए। और इसको ना थोड़ा सा इस तरह से सूखने दीजिए, दो मिनट बस, हल्का सा जो से इसमें लगा हुआ है इसको थोड़ा सा सूख जाएगा ये तो। या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से जो है इसमें आप ये जो मिट्टी है ना, ये देखिए, इसमें ये बालू ज़्यादा है, इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है और कंपोस्ट वगैरह कुछ नहीं डालिए, सिर्फ सैंड और थोड़ी सी मिट्टी को मिक्स कर लीजिए और आप जो है इसको इस तरह से इसमें डिप डाल के और दबा दीजिए अच्छे से। देखिए, इस तरह से आपने डाला और इसको दबा दिया। और इसको जो है आप ऐसी जगह रखिए कि ये मने से धूप ना लगे, लेकिन इसको अलग से नहीं रखिएगा। मैं एक चीज़ देखी हूँ, जिस प्लांट को मैं अलग से रख देती हूँ ना, वो चलता नहीं है, वो मर जाता है। मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जैसे प्लांट्स, ढेर सारे प्लांट्स हैं ना, तो इसके बीच में मैं इस तरह से रख देती हूँ, इस तरह से छुपाकर, और इसके सामने इस तरह से कोई कोई प्लांट रख देती हूँ, ताकि इसको हल्का सा बाहर का वातावरण भी मिलता रहे और ये अपने प्लांट के छाव में जो है आसानी से ग्रो करने लगे। देखिए, ये वाला जो कटिंग है, ये दोनों कटिंग देखिए, इसमें लीफ कैसे आ रही है और इस पर भी देखिए न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब क्लोज करके दिखाती हूँ, देखिए तो इसमें भी न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है। ये दोनों, ये तो अभी मैंने लगाया है, ये दोनों जो है ये पुराना वाला है और न्यू ग्रोथ शुरू हो रही है, इसी तरह से लगा हुआ है। तो आपका कटिंग आसानी से लग जाएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा मोटी कटिंग मत लगाइएगा, ज़्यादा मोटी कटिंग लगाइएगा तो लगता नहीं है। खैर, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने कट किया है तो आप लगा के ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। आप बिना लगा कर फेंक देंगे, उससे अच्छा आप लगा कर देखिए, अगर लग गया तो बहुत अच्छा है और नहीं लगा तो फेंकना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैं इन सारे को लगा लूँगी। ये वाला जो है देखिए, ये जो है, नहीं सॉरी, ये वाला जो है ये गुच्छा वाला है हिबिस्कस, अभी मैंने कट किया है उस वाले प्लांट से, ये वाले प्लांट से, देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाले प्लांट से मैंने कट किया है। तो इसको जो है उसी तरह से लगाऊंगी, एलोवेरा में डिप करके। देखिए ये कितनी पतली कटिंग है,
तो इसको इसी तरह से डिप करके और इसमें हम एक ही जगह ढेर सारी कटिंग लगा देंगे, अगर लगना होगा तो लग जाएगा, लग ही जाता है फ्रेंड्स। मैंने तो बहुत सारी कटिंग इसी तरह से लगाई है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको कटिंग का एक अपडेट भी दिखाती हूँ। ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें कितनी कलियाँ आ गई है। ये वाला प्लांट मेरा वाइट विस्कस का है और ये कटिंग से लगा हुआ है। इसका मेन प्लांट जो है वो ग्राउंड में लगा हुआ है और उसी से मैंने इसी तरह से छोटी सी कटिंग लगाई थी, बिल्कुल छोटी सी। और देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट हो गया, कितनी सारी कलियाँ भी आ रही हैं। तो आप कोशिश करते रहिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक बार मर गया, दो बार मर गया, लेकिन आपका प्लांट चलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, जब बार बार आप किसी चीज़ को कोशिश करेंगे ना तो वो एकदम सक्सेस होना ही है फ्रेंड्स। और छोटी से छोटी कटिंग को आप लगाइएगा। और हिबिस्कस के बारे में डिटेल वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। बाय।